कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है। शपथ अभी कुछ देर पहले हुई है और क्या प्राथमिकता लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक नई जिम्मेदारी है, कैसे इसका निर्वहन होगा और क्या प्राथमिकताएं आपने अभी सोची हैं? नहीं, हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमको मंत्रिमंडल में लिया है। प्राथमिकताएँ तो प्रदेश की में विकास की गति आगे कैसे बढ़े ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको कम किया जाए, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज फाइनेंशियल सरकार जो है वो 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबी हुई है, तो दिल्ली से केंद्र सरकार से पैसा आए ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और सबसे बड़ी बात है बेरोज़गारी आज एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे 65,000 पद सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े हैं, फेज्ड मैनर में उनको भरा जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हिमाचल में कैसे आए वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि हमको रेवेन्यू भी आए और हमको जो है लोगों नौजवानों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिले। अब पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की बात हुई है, उसके लिए आपको लगता है कि रेवेन्यू है स्टेट के पास, या फिर उसको जनरेट करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, ओल्ड पेंशन की तो हमने जो मॉडलिटीज़ है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तैयार कर लिया और फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में उस पर अप्रूवल हो जाएगी। अगर पैसा तो हमारे पास नहीं है, मगर हम उसको रिसोर्स को जनरेट करेंगे, पैसों को लाएंगे। और जो 75,000 का कर प्रदेश के ऊपर है, आज इस महीने भी प्रदेश सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। मार्च तक हर महीने 1,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश सरकार को कर्ज देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल हालत तो बहुत दयनीय है, मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट हमको जो हमने वायदे किए हैं वो हम पूरे करें। आपको लगता है सर कि जो खर्चे हैं उसको कटौती की जानी चाहिए, और अभी क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हमेशा रहता है कि नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं, नई चीज़ें होती हैं, वर्तमान सरकार उस पर रोक लगाएगी? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, चाहे मंत्री है चाहे ऑफिसर है, कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। और हमारे पास जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हिमाचल प्रदेश में साधन बहुत कम है, क्योंकि हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। मगर हम सरकारी क्षेत्र में हमारे खर्चे जो हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन पे जो खर्चे हैं इनको हम कटौती करेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे और उन्होंने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर काम होगा और खर्चों पर कटौती की जाएगी। और पहले ही ये तय हुआ है कि जो मंत्री बनेंगे, सरकारी विभाग होंगे, उनमें नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाएगी। वीडियो जनरल राहू के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।